अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिब इल्मों, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील और सहाफ़त के बीए थर्ड सेमेस्टर के आज के सबक में मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हम एक नई क्लास के साथ एक नई सुबह का आगाज़ कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। और मुझे खुशी भी है कि बहुत सारे तलबा हमारे जो असबाक हैं उसका मुशाहिदा कर रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एक पॉइंट, एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 10-10 15-15 मिनट के हम जो वीडियो लेसन बना रहे हैं ये फोकस है। जैसे ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी तलबा लेट ज्वाइन हो रहे हैं और फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम, जब सवाल पूछ रहा है उस वक्त सवाल नहीं पूछ रहे, जब मैं कुछ बता रहा हूँ उस वक्त उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। उसके मुकाबले में वीडियो पर बनाया जाने वाला सबक आपका बिल्कुल फोकस है। और एक चीज़ आपको जहन में रखना है, सिर्फ यही वीडियो असबाक आपके लिए काफ़ी नहीं है। आपको जो सिफारिशी कुतुब है, आपको जो अवेलेबल कुतुब है, चाहे ऑनलाइन हो, इंटरनेट पर हो, या आपके पास किसी सीनियर से लेकर किसी से लेकर आपने रखे हैं, तो वो आप ज़रूर उनसे भी इस्तेफादा कीजिएगा, तभी जाके आपके लिए हमारे ये वीडियो सबक समझना आसान होगा। आज का हमारी क्लास में जो मौजू है वो मौजू साबिका क्लास में हमने, जैसे हमारा जो पर्चा है रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग फॉर प्रिंट मीडिया, उस पर संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ मौजूद से होते हुए हम इंटरव्यूज़ के हवाले से आए थे कि इंटरव्यूज़ भी ख़बरों के हुसूल का एक अहम ज़रिया है। इंटरव्यूज़ के मुख्तलिफ अकसाम हैं कि इंटरव्यूज़ पर्सनालिटी बेस्ड इंटरव्यू रहा है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि जिस तरीके से हाल ही अर्ज़ में कंगना रनौत तो ख़बरों में आई हैं, फिल्म स्टार हैं, लेकिन ख़बरों में अपनी किसी फिल्मी सरगर्मियों के सबब नहीं आई, उन्होंने एक और दूसरे फिल्म देखिए और एक और फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत फिल्म स्टार थे, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उनका कैरियर ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी सुशांत सिंह राजपूत का नाम मुसलसल खबरों में है। तो ऐसे पस मंजर में मैं आपको जो मिसाल देना चाह रहा हूँ कि अब अगर आप इंटरव्यू करते हैं कंगना रनौत से, तो वो इंटरव्यू उनके फिल्मी सरगर्मियों के हवाले, चूंकि उनकी हाल ही अर्से में कोई फिल्म नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र की हुकूमत के खिलाफ एक बयान दिया, बल्कि बाजाबत तौर पर एक महाज उन्होंने खड़ा किया, फिर जिस तरीके से मरकज़ी हुकूमत की वजारत दाखिला ने उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की, तो वो मोहाली से कब फिर मुंबई आई, मुंबई में 4-5 दिन जब उन्होंने क़ियाम किया, उस दौरान उनके ऑफिस को बीएमसी वालों ने गैरकानूनी तौर पर तामीर करदा ढांचा करार देकर मुनदिम करने की कोशिश की, उन्होंने फिर किस तरीके से मुंबई हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया, फिर वहाँ जिस तरीके से उन्होंने मुंबई को पीओ के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से तश्कील दी, ये बहुत सारे ऐसे मौजूद थे जो फिल्मी इंडस्ट्री से फिल्मी मौजूद से हटके थे। तो यहाँ पर उनकी तरफ से दिया जाने वाला बयान खबरों में आ जाता है, लेकिन इस पस मंजर में जब उनसे इंटरव्यू करने का अगर किसी रिपोर्टर को या आपको मौका मिलता है, तो वो इंटरव्यू भी जैसे एक किस्म होगा जिसके ज़रिए से आप उनका अगला कदम क्या होगा, वो दोबारा कब मुंबई वापस लौटेंगे, अब वो क्या करने वाली हैं, क्या उन्हें अब कोई नई फिल्में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इस तरह का एक इंटरव्यू हो सकता है। और एक इंटरव्यू की किस्म वो है जहाँ पर समझिए सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद उनके वालिद से उनकी बहनों से इंटरव्यू किया जा रहा है कि बचपन में कितना शरारती था सुशांत सिंह राजपूत, कौन से स्कूल को जाया करता था, मतलब वो एक पूरा बायोग्राफिकल इंटरव्यू हो गया कि उस इंटरव्यू के ज़रिए से मरने वाले सुशांत सिंह राजपूत की सारी ज़िंदगी को आप अपने खारीन के लिए दोबारा पेश करना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही मुख्तलिफ तरह के जो है सो इंटरव्यू के अकसाम होते हैं। और आपको मैंने कल कहा कि आपको भी बतौर असाइनमेंट अब इंटरव्यू करना है, और चूंकि हमारा ये पर्चा प्रिंट मीडिया के हवाले से है, तो आपको अपने इंटरव्यूज़ तहरीरी शक्ल में जो है सब लिखने होंगे। जी हाँ, आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएँ, रेडियो पर जाएँ, इंटरनेट पर जाएँ, लेकिन लिखने की जो आदत है, लिखने की जो सलाहियत है, उसकी आज भी डिमांड है। अज़ीज़ तालिबे इल्मों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कोरोना वायरस के सबब जो हालात किसी एक रियासत में, पूरे मुल्क में, और किसी एक मुल्क नहीं आलमी सतह पर जो मुरतब हुए हैं, वो नहायत ही संगीन किस्म के हालात हैं। पिछले दिनों जब मुख्तलिफ ममालिक की मईशतों पर पड़ने वाले मनफी असरात के हवाले से जब डाटा अदद शुमार जारी किए गए, तो उसमें पता चला कि दुनिया की
बहुत सारी मईशतें हैं वो इस वक्त जमूत का शिकार हैं, बल्कि उनकी जो शरह तरफी है वो गिरावट की तरफ आ रही है, और हिंदुस्तान भी उसमें शामिल है कि हिंदुस्तान की मईशत में भी पिछले दिनों जो गिरावट आई है वो अब तक की सबसे संगीन किस्म की गिरावट है। तो इस पस मंजर में हो क्या रहा है? ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ हुकूमतें मुतासर हो रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ मुतासर हो रही हैं, और सिर्फ कंपनियाँ ऐसी नहीं कि जो सनती पैदावार करने वाली कंपनियाँ, बल्कि वो कंपनियाँ, वो इदारे जो मीडिया में जुड़े हुए हैं, वो भी इस सूरत हाल से परेशान हैं। तो उसके नतीजे में क्या हुआ, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार ने अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कटौती का ऐलान किया है, हिंदू जैसे अखबार ने अपने मुलाजिमीन की कटौती का ही ऐलान किया है, हिंदुस्तान टाइम जैसे अखबार ने अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कटौती का ऐलान किया है ऐलानिया तौर पर, और गैर ऐलानिया तौर पर बहुत सारे सहाफ़ियों की छुट्टी की जा रही है। तो खानगी शोबे के हालात भी सही नहीं हैं, तो लाजिम बात है मीडिया भी खानगी शोबे का ही एक बहुत बड़ा जुज है। तो ऐसे पस मंजर में क्यों मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस ने आपको सिर्फ क्लासेस से जो है दूर नहीं किया है, आपको सिर्फ क्लासेस से दूर नहीं किया है, बल्कि आपको जब अमली ज़िंदगी में जहाँ काम करना है इंडस्ट्री, वहाँ पर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस पैदा हो गए हैं। और देखिए, आप खुशकिस्मत हैं कि आपके घर में आपके वालिदैन, आपके सरपरस्त जो बड़े हैं, वो लोग आपकी किफ़ालत कर रहे हैं, तो आपको एहसास नहीं कि कोरोना के बाद जो सूरत हाल उभर रही है, ऐसे में कैसे रोज़गार से जुड़े रह सकें, कैसे दो वक्त की रोटी कमा सकें। तो अल्लाह का और अपने वालिदैन का, अपने सरपरस्तों का शुक्र अदा कीजिएगा, और इस मौके को गनीमत जानकर अपनी सलाहियतों में इजाफा कीजिएगा कि अंग्रेज़ी भी आपकी जो है उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, अंग्रेज़ी में भी आपकी उतनी ही महारत होनी चाहिए जितनी महारत आपको हिंदी में है, आपकी हिंदी की महारत भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी महारत आपकी उर्दू में है। अजीज़ तालबिल्मों, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा कि आप लोगों ने चूँकि उर्दू यूनिवर्सिटी से जैसे कोर्स करना तय किया है, तो इसका मतलब ये है कि अब अल्लाह करे आप लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं, आप लोग 150 साल तक जिए, ऐसी मेरी दुआ है, लेकिन तब तक भी आपके नाम के साथ जो बायोडाटा आपका बनेगा उस पर ग्रेजुएटेड फ्रॉम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, यानी आप उर्दू यूनिवर्सिटी से जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उर्दू का जो ठप्पा है वो उसको फ़ख्र के तौर पर लीजिए कि हाँ आपने उर्दू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, यानी आपको उर्दू ज़बान बहुत अच्छे तरीके से आती है, उर्दू में आप सही जुमले लिख सकते हैं, कमियां सब में होती हैं, लेकिन ये जो मौका मिला आपको कि सुबह से शाम तक जिस तरीके से हेक्टिक शेड्यूल होता था क्लासेस का, वो नहीं हो रहा है, लेकिन आपके पास बहुत सारा वक्त है, तो इस वक्त का सही इस्तेमाल कीजिएगा। रोज़ाना जैसे हम क्लास में आपको कहा करते थे कि आपने आज का दिन क्या सीखा है वो लिखना ज़रूर सीखिएगा, और ये लिखने की जो आदत है, अपने माफियुस ज़मीर, अपने दिल की बात को अगर आप कागज़ पर मुंतकिल कर सकते हैं, तो आपके पास वो बुनियादी सलाहियत मौजूद है कि आप सहाफ़त के मैदान में काम कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जब हम एडिटिंग के मौजू पर आते हैं, तो होता क्या है, इंटरव्यूज़ का हमने देखा कि इंटरव्यूज़ का एक किस्म के होते हैं, ये सियासतदानों से भी लिया जाने वाला इंटरव्यू हो सकता है, ये वज़ीर आज़म से भी लिया जाने वाला इंटरव्यूज़ हो सकता है, ये फिल्मी सितारों के हवाले से भी लिया जाने वाला इंटरव्यूज़ हो सकता है, ये स्पोर्ट्स के खिलाड़ी से भी लिया जाने वाला इंटरव्यूज भी हो सकता है। तो अब ये इंटरव्यूज के पस मंजर में एडिटिंग का मौजू हम आपको तारुफ करवाना चाह रहे हैं कि इंटरव्यू निगार ने, जो रिपोर्टर है, उसने जो इंटरव्यूज लिया है वो इतना तवील है कि वो किसी फीचर की शक्ल में आधे सफे पर 6 कॉलम का जो है इंटरव्यू है रिपोर्टर ने ले लिया इंटरव्यू। अब उस 6 कॉलम के इंटरव्यू को आपका जो इंचार्ज, जिम्मेदार, जो सीनियर सब एडिटर, वो कहता है इसको 3 कॉलम में आप एडिट कीजिएगा। तो एडिटिंग की जो अकसाम है उसको आप देख लीजिए, एक तो क्या है कि मुख्तसर करना, ज़बान पूरा पढ़कर आपको जो है सो उसकी ज़बान को कम लफ्ज़ों में जो है सो बयान करने की कोशिश करना है, फिर उसमें इसमें एडिटिंग में काट छाट भी होती है कि क्या बाज़ सवालात रिपीट हुए हैं, या फिर
जिनसे इंटरव्यू लिया गया है उन्होंने जवाब देते वक्त एक ही बात को रिपीट किया है एक से ज्यादा बार, तो ऐसे जुमलों की शनाख्त कर उनको काटना, उनको छाटना, उनको हजब करना। तो इंटरव्यू जबान के एडिटिंग जो हो गया वो जबान के पस मंजर में भी हो गया, फिर उसके बाद जो हो गया है वो जगह के हवाले से कि अगर आपके पास सिर्फ एक कॉलम की जगह है और आपके पास जो इंटरव्यू मौजूद है वो इंटरव्यू 6 कॉलम का है, वो इंटरव्यू काफी तवील है, अब आप उसको समोना है 1 कॉलम, कैसे आप करेंगे? मुख्तसर करेंगे एडिटिंग के दौरान। अच्छा, क्या एडिटिंग से मुराद सिर्फ किसी भी बड़े खबर को, बड़े इंटरव्यू को छोटा करना है? नहीं, एडिटिंग से मुराद एडिटिंग में जो आता है जबान वो बयान की दुरुस्तगी, जबान बयान और जुमले गलत हो तो उनको दुरुस्त करना भी जो एडिटिंग करने वाले जो साहब है उनकी जिम्मेदारी है, और फिर इन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो एडिटिंग के दौरान प्रूफ रीडिंग भी करें। इस चीज को मान के चलिए कि यकीनन गलतियां होती हैं, हिंदू जैसा अखबार, नेशनल लेवल का मोहतबर अखबार, सहाफत का संजीदा नाम, उसमें भी रोजाना एक कॉलम छपता है जिसमें पिछले दिन होने वाली गलतियों की निशानदेही की जाती है, माजरत चाही जाती है। तो गलतियां सबसे होती हैं, बड़े बड़े इदारों में भी होती हैं, लेकिन अच्छे सहाफत की पहचान क्या है? अच्छी सहाफत वही है जो अपने गलतियों की इसलाह करे, अच्छी सहाफत वही है जो अपने गलतियों को तस्लीम करे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से एक रिसाला निकलता है, उस रिसाले में एक मजमून था और वो मजमून हमारे ही मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो लखनऊ कैंपस में काम करते हैं, उनका मजमून था एक अदब की दुनिया से जुड़े हुए डॉक्टर असलम परवेज पर। मजमून आया, जो इदारती टीम थी उन्होंने उसको एडिट किया। अब सवाल उसमें, मसला ये हो गया, जो साहब एडिटिंग कर रहे थे उनके पास डॉक्टर असलम परवेज की तस्वीर नहीं थी, या फिर उन्होंने कहीं पर गलती की, पूरा मजमून पढ़ना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने गूगल पर सर्च किया असलम परवेज, डॉक्टर असलम परवेज, तो वहाँ पर हमारी उर्दू यूनिवर्सिटी के जो साबिका वाइस चांसलर थे डॉक्टर, वो उनकी जो तस्वीर आ गई। तो उस एडिटर ने, उस मैगजीन के एडिटर करने वाले साहब ने क्या किया कि उन्हीं की तस्वीर को उन असलम परवेज पे, जो अदीब थे, जो अदब की दुनिया से उनका ताल्लुक था, वो मानकर उनकी तस्वीर को इस्तेमाल करने। तो हुकूमत तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम शाया होने वाला रिसाला था, तो उसमें क्या हुआ, लोगों ने नशा नहीं की कि भाई जिस डॉक्टर असलम परवेज की तस्वीर इस मजमून के साथ शाया की गई है ये वो असलम परवेज नहीं जिन पर मजमून लिखा गया है। गलती आई तो अच्छी सहाफत की पहचान है, अच्छी उसकी भाई, उन्होंने अगले शुमारे में अपनी गलती को तस्लीम किया कि हमारे पिछले शुमारे में मजमून डॉक्टर असलम परवेज पर था लेकिन जो तस्वीर डॉक्टर असलम परवेज की छपी है वो जिन पर मजमून लिखा गया वो असलम परवेज नहीं है, इसके लिए इदारे को अफसोस है। तो एडिटिंग के दौरान ये वाली चीज़ भी होती है कि प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं तो उससे जो मुंसलिक का तस्वीर है वो तस्वीर भी दुरुस्त है या नहीं है वो जो इसको देखना पड़ेगा। जैसे टाइम्स नाउ जो चैनल है, टाइम्स ऑफ इंडिया की कंपनी का, उन्होंने एक मरतबा अपने एक खबर में गलत तस्वीर, मतलब हर खबर में आपको मालूम है टेलीविजन की हर खबर में विजुअल्स नहीं मिलते लेकिन खबरें ब्रेक करना होता है, जल्द से जल्द अपने नाजरीन तक, व्यूवर्स तक पहुंचाना होता है, तो उन्होंने गलती से एक रिटायर्ड जज की तस्वीर चला दी। जो खबर में जिस जज का जिक्र था वो कोई और साहब थे, जिनकी तस्वीर उन्होंने चला दी वो कोई और साहब थे। नतीजे में हुआ क्या, नतीजे में टाइम्स नाउ चैनल को 100 करोड़ रुपए के हर्जाने के मुकदमे का सामना करना पड़ा, उनको माफ़ी चाहना पड़ा और फिर कहीं जाकर ये मामला सुधरा। तो मुख्तलिफ ज़बानें जानने के हवाले से कितना ज़रूरी है। एक बात, एक मिसाल देते हुए मैं अपनी क्लास को ख़त्म करूँगा। जुमे का दिन था तो जुमे के दिन आप लोग जानते हैं कि मस्जिद में मुख्तलिफ तरह के ऐलानात होते हैं, नमाज के बाद, नमाज से पहले, नमाज के आसपास।
एक मौलिक, अभी इन दिनों चूंकि कोरोना का मर्ज चल रहा है तो बहुत सारे मतलब दुआ की अपील आ रही है कि भाई फलां साहब कोरोना से मुतासिर है, दुआ है कि उनको सेहत याबी हो जाए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और कुछ ऐसी इत्तला जाती हैं कि भाई उनका इंतकाल हो गया है कोरोना के सबब, तो उनके लिए दुआए मगफिरत कि भाई, तो लम्हे आखिर में जब इमाम साहब खतीब साहब ने नमाज़ ख़त्म की तो उनको चिट्ठी पहुँचाई गई। चिट्ठी थी अंग्रेज़ी में, मौली साहब वाकिफ़ नहीं थे अंग्रेज़ी से, अलबत्ता चिट्ठी देने वाले पीछे जो कमेटी के ज़िम्मेदार थे उन्होंने कहा था कि भाई ये दुआए सेहत और दुआए मगफिरत की वो है। तो उसमें उन्होंने जो है सो क्या किया कि ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों की दुआए सेहत करना था उन्होंने ये पढ़ दिया कि भाई चूँकि इन लोगों का इंतकाल होगा तो इन लोगों की मगफिरत की दुआ है, उनके नाम पढ़ दिए। और फिर जिनकी मगफिरत की दुआ करना था उनके हवाले से ये समझ गए कि भाई इन लोगों को सेहत जल्द से जल्द सेहत याबी हो। तो इस तरह की सूरत हाल बज़ाहिर एक छोटा सा वाक़या जो कुछ मैंने सुना या आपको मैं अभी बताया कि जिनको मगफिरत की दुआ करना था उनके लिए दुआए सेहत हो गई और जिनको दुआए सेहत करना था उनके लिए दुआए मगफिरत हो गई। क्यों? कि मौलवी साहब को जो चिट्ठी पहुंचाई गई थी उसमें जो ज़बान इस्तेमाल की गई थी वो मौलवी साहब उस ज़बान से वाकिफ नहीं थे। यहाँ पर किसी का मजाक करना मकसूद नहीं, यहाँ पर जो सबक है हमारे लिए कि अगर हम मुख्तलिफ ज़बानें नहीं जानेंगे तो हमारे लिए भी इस तरह की मज़े का फैज सूरत हो सकती है। तो आप इस वक्त को जो आपको लॉकडाउन के सबब मिला है अच्छा इस्तेमाल कीजिएगा, पढ़िएगा इन मौजूआत पर आपको जो मवाद इंटरनेट पर मिलता है, ऑनलाइन लाइब्रेरीज में मिलता है, अखबार में मिलता है, उनको पढ़िएगा, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कीजिएगा और फिर यूट्यूब के इंडिया सबाब को भी आप देखिएगा। आपके सवालात के लिए हम ज़रूर मुंतज़िर हैं। अगर आपको निसाब से जुड़े हुए हमारी क्लास से जुड़े हुए सवालात हैं तो आप अपने सवालात हमारे गूगल क्लासरूम में भी आप पूछ सकते हैं। अगली क्लास तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इस उम्मीद से कि आप और अपने चाहने वाले आप अपने चाहने वालों के साथ सेहत वाफिक के साथ रहें। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।